हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, आज के सेशन में मार्केट में जो हुआ वो पेनफुल है, इंडेक्स वाइज नहीं, पोर्टफोलियो वाइज। अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो आप शायद डायरेक्ट मार्केट क्लोजिंग पे ही देखते हैं उसका लेवल, तो आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर आपने कल निफ्टी देखी होगी तो आपको देखने को मिलेगा कि ठीक है, और आज देख रहे हो तो आप 43 पॉइंट्स की करेक्शन देख रहे हो निफ्टी पे, इंडेक्स लेवल पे। लेकिन शायद अगर आप अपनी पोर्टफोलियो खोल के देखो तो वहां हो सकता है आपको लॉस थोड़ा बड़ा दिख रहा हो। उसका रीजन क्या है? ब्रॉडर बेस मार्केट में करेक्शन हैवी हुई है। अभी मैं आपको अगर बताऊं, मिड कैप इंडेक्स 1.5% गिरकर क्लोजिंग देती हुई दिखी है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% के लगभग डाउन है, एंड बैंक निफ्टी भी 1% की करेक्शन दिखाती हुई दिखी है। मतलब कहने वाली ये बात है कि ब्रॉडर बेस मार्केट में सेलिंग थी, एंड वहीं आप अगर केवल निफ्टी और सेंसेक्स देखो तो कोई भी गिरावट ही नहीं दिख रही। दैट मींस स्टॉक स्पेसिफिक पेन था। अगर आज आप टोटल स्टॉक्स देखो एडवांस एंड डिक्लाइन, तो एडवांस 576 शेयर्स एडवांस थे, यानी कि तेजी में थे, एंड उसके सामने मंदी में 1304 शेयर्स नेगेटिव क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। आज की मार्केट के परफॉर्मर्स इधर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड कौन कौन से थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस मार्केट में ऐसा हुआ क्या जो ऊपर से करेक्शन देखने को मिली हमें, और हमें जो गैप अप देखने को मिला था वो क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, समझ आए, तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी किसी स्टॉक से लेकर कोई क्वेरी है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। आप देखोगे आज के एक आप कह सकते हो वर्स्ट परफॉर्मर, या फिर जहां से थोड़ी सी प्रेशर देखने को मिला, हालांकि इंडेक्स लेवल पर उनका इतना वेटेज नहीं है, वो है सीमेंट स्टॉक्स। यहां पोर्टफोलियो में बड़ी गिरावट है। क्या हुआ है आज के सेशन में, ये अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको शायद अच्छी चीजें ज्यादा दिखेंगी, खराब चीज कम, लेकिन फिर भी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट। अगर मैं आपको बोलूं तो मिड कैप से रैमको सीमेंट में 10% की करेक्शन आ गई, ऑलमोस्ट 9.26% गिरा। दालमिया भारत सीमेंट 8.80% करेक्ट हो गया, जेके सीमेंट 8.42% करेक्ट हो गया, अल्ट्राटेक जैसा बड़ा लार्ज कैप स्टॉक 5.5% करेक्ट है, ग्रेसिम जैसा स्टॉक 6.5% करेक्ट। तो यहां बड़ी गिरावट थी। वहीं अगर आप सपोर्ट की बात करें तो वही एकमात्र ऐसा सेक्टर जो पिछले कुछ दिनों से लोगों की पोर्टफोलियो को लाल कर रहा है, आईटी सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर था जो दिन के दौरान तो 2% की तेजी में था, लेकिन बंद होते होते 0.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाया। वहीं आज के वर्स्ट परफॉर्मर थे निफ्टी ऑटो, यानी ऑटो इंडेक्स में आपको 2% की कट, जो बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे थे, एंड ये इंडेक्स कहीं ना कहीं सबको लग रहा था कि तेजी में है, एंड मैंने भी अपनी वीडियोस में कहा था कि ऑटो इंडेक्स में कहीं ना कहीं तेजी बन रही है, वही आज के वर्स्ट परफॉर्मर होते हुए दिखे हैं। ठीक है, अब स्टॉक्स में करना क्या चाहिए, ऐसे में गिरावट आई तो आई क्यों? इसका रीजन है, जब हमारी बाजार आज सुबह 9:15 पर जब निफ्टी ने ओपनिंग दी तो डाउ जोन्स यानी अमेरिका के फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स जो थे वो अराउंड 200 प्लस पॉइंट्स की तेजी दिखा रहे थे, एंड धीरे धीरे उनमें गेन्स गिव अप हुए, एंड अभी करंट में बताऊं, अभी वक्त हो रहा है 4:20 का, अभी 102 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, यानी ऊपर से आप देखो तो 300 प्लस पॉइंट साफ हो गए हैं वहां से। तो यही एक रीजन था, एंड अगर हम लोग गैप अप खुले तो उसका रीजन भी केवल यही था कि डाउ जोन्स, ये फ्यूचर नहीं है, एक मार्केट की बात कर रहा हूं, वहां कल के सेशन में एक आपने 435 की सुपर रैली देखी, जिसमें अमेरिका के बाजार डे हाई पे बंद होते हुए दिखे, एंड S&P 500 एंड रसल 2000 सब में बढ़िया तेजी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बाजार खुले तो अच्छा, लेकिन डाउ फ्यूचर्स को देख के हम लोग करेक्ट हो गए एंड गिरावट बढ़ती चली गई। लेकिन करना क्या चाहिए, देखिए 16,700 का ऐसा लेवल है जिसके ऊपर हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, एंड उसके नीचे ही क्लोजिंग मिली है, इनफैक्ट नेगेटिव क्लोजिंग मिली है, तो कहीं ना कहीं हम दोबारा से वही अपनी कंसोलिडेशन वाली रेंज में, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। मुझे लगता है आज के जो वर्स्ट परफॉर्मर थे सीमेंट स्टॉक्स, चाहे वो अल्ट्राटेक हो या वो ग्रासिम हो, मुझे लगता है यहाँ आपके लिए मौका है खरीदने का, एंड आईटी स्टॉक्स जो काफी बड़ी गिरावट के बाद कंसोलिडेट करा 2-4 दिन, एंड उसके बाद दोबारा आपको बाउंस बैक शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, यहाँ मुझे लगता है ये शॉर्ट कवरिंग एंड बाउंस बैक थोड़ा बहुत और सस्टेन कर सकती है, या फिर दोबारा से इसमें
प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हो सकते हैं। अभी आपको कौन से स्टॉक्स में बाय करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक तो सीमेंट स्टॉक्स में अल्ट्राटेक एंड ग्रेसिन मुझे पिक करने के लिए मैं आपको कहूंगा, क्योंकि काफी बढ़िया करेक्शन में मिल रहे हैं, लेकिन टाइम फ्रेम आपका बड़ा होना चाहिए। पोर्टफोलियो बनाने वाले स्टॉक्स हैं। आपको बैंकिंग स्टॉक्स में बढ़िया मौका मिल रहा है, चाहे वो HDFC लिमिटेड हो या HDFC बैंक हो या ICICI बैंक हो। अगर आप मेटल स्टॉक्स में देखो तो हिंडाल्को काफी करेक्ट हो गया है, एल्यूमिनियम का स्टॉक। आप देखो टाटा स्टील में बहुत अच्छी करेक्शन हो चुकी है, हालांकि मैं मेटल स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से कोई व्यू नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये कमोडिटी प्ले है, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं रखता हूं। IEX अच्छे खासे करेक्शन पर मिल रहा है आपको, IRCTC, ऐसे लंबी लिस्ट है स्टॉक्स की। लेकिन आपको सावधान रहना है इस मार्केट में उन लोगों से जिनसे आपको डर लगता है। मैं स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो जो हो लार्ज कैप से और ब्लू चिप से। मैं बता रहा हूं जो तेजी आएगी वो सबसे पहले लार्ज कैप्स में आएगी, उसके बाद मिड कैप फॉलो करेगा, फिर स्मॉल कैप। लेकिन पहले राउंड की तेजी हमेशा लार्ज कैप में आती है, तो बी विद लार्ज कैप एंड स्टे विद लार्ज कैप एंड ब्लू चिप्स, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। अब क्या लार्ज कैप है और क्या ब्लू चिप है, ये बहुत से लोग पूछते हैं, तो इसका सीधा सीधा जवाब है आप कहीं इधर उधर मत जाइए, निफ्टी में जाइए एंड ऐसा स्टॉक चुन लीजिए जो करेक्ट हो गया वो अच्छा खासा 25-30% एंड आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो। अब आप ऐसा स्टॉक मत लगा देना जिसके बारे में आपको समझ ही ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप सीमेंट के बारे में हल्का भी आए, चलो सीमेंट है यार, तो सीमेंट से आप अल्ट्राटेक पिक कर सकते हैं। अगर आपको लगे IT है यार, तो ठीक है आप इन्फोसिस पिक कर लीजिए। आपको ऑटो दिख रहा है करेक्शन अच्छे, तो आप ठीक है आइशर मोटर M&M तो खैर हाई भी खड़ा है, उसे छोड़ दीजिए। जो करेक्ट भी हो चुका है एंड लार्ज कैप है वहां से उठा लीजिए आप। ये मेरे लिए, मेरे हिसाब से आपके लिए मेरा व्यू होगा। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।